so dna ligase dna ligase is the key to joining dna molecules in vitro actually also in vivo as well uh, but this enzyme has been perfected over the last decade to be the keystone for molecular cloning it repairs strand breaks it catalyzes the formation of a covalent phosphodiester bond between 5 phosphate and 3 prime hydroxyl end so basically जो काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर रहा था ये उसके उलट कर रहा है ये लाइगेट करता है दो डीएनए स्ट्रैंड्स को सो so ये आपकी अपनी चॉइस पर मुंहसर है कि आप दो जीन्स को आप इसमें लाइगेट करें या जीन को वेक्टर से लाइगेट करें ओके इन दिस पर्टिकुलर इमेज जो लेफ्ट हैंड साइड है एज्यूम के वो वेक्टर की है तो आई एम राइटिंग अ बिग वी ऑन इट और दूसरा जो साइड है वो आपके पास उसको मैं ब्लू कलर देता हूं तो दैट इज मैंने उसके ऊपर जी लिख दिया अब आप अपने जीन को भी और वेक्टर को भी दोनों को यू विल कट फ्रॉम द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज इको आर वन अब इको आर वन क्योंकि एंड्स हैं दोनों एक से कटे हैं तो वो आप इसके अंदर एक ट्रांजिएंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ दीज बेस पेयर जो जो ये है और ये है लेकिन डी एन का क्या काम है कि ये जो आपके पास फॉस्ट्रेड बैक बोन है ये इसको आके भी जोड़ दे और अल्टीमेटली आपका नेक भर जाए नाउ लेट्स सी सो यू वुड सी कि कहीं पर इकोलाइड डीएनए लाइगेज लिखा होगा कहीं पर टी फोर डी आईगेज लिखा होगा एक्चुअली

एडीिन डायन्यूक्लियोटाइड लेकिन अल्टीमेटली इफ यू लुक एट देयर प्रोसेस तो ये बोथ एंजाइम बेसिकली एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो एक्सपोज करता है उस निक को और अल्टीमेटली शुगर बैकबोन के ऊपर अटैक करते हुए दे कैन मेक अ फॉस्पोडाइस्टर बॉन्ड एंड अल्टीमेटली साइक्लिक रिलीज सो इन बोथ केसेज द को फैक्टर इज स्प्लेट And forms an enzyme AMP complex. The complex binds to the neck and which exposes this 5 prime to 3 prime hydroxyl and break water or waha covalent bond or ultimately phosphodiester bond complete. Let me show you an image which would clarify this situation. So here you can see that DNA ligase either it uses ATP or NAD. रिमाइंडिंग यू अगेन दैट ए टी पी इज फॉर टी फोर डी एन ए लाइगेल्टीमेटली साइकिल रिलीज होगा दो फॉस्फेट बॉन्ड निकलेंगे मच जिस तरीके से हम लोगों ने रेप्लीकेशन में देखा था कि एक न्यूक्लियोटाइड पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड एड हो रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर कहां पर एड हो रहे होते हैं इन डी एन ए पॉलीमरेज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू सो द टेम्परेचर फॉर लाइगेशन ऑफ निक डी एन ए आइडियल टेम्परेचर वुड बी थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस क्यों क्योंकि डी एन ए लाइगेज लाइक्स टू वर्क एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस जिस तरह आपके बॉडी के तमाम एन्जाइम्स के लिए जो ऑप्टीमल बॉडी टेम्परेचर है वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है क्योंकि आपकी बॉडी का ये टेम्परेचर है लेकिन वेन वी लुक एट अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल पर जाऊँ तो ईको आर वन ने वो जो चार ट्रांजिट बॉन्ड रखा था वो चार वीक से हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनके लिए दिस टेम्परेचर इज टू हाई एंड दैट इज वेरी अनस्टेबल एंड फॉर अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड प्रोड्यूसिवेंट्स कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो अगर और जिसमें इस तरह चार बेस पेयर ने आप इसमें पेयरिंग की हो तो 37 सेवन डिग्री सेल्सियस काफी है कि वो थर्मल डी से दोबारा स्प्लिट हो जाए तो वी हैव फाउंड एन ऑप्टिम टेम्परेचर एंड दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द रेट ऑफ एनजाइम रिएक्शन क्योंकि थर्टी सेवन पर आपके पास बेस्ट रेट है एनजाइम के रिएक्ट करने का उस एक्शन को कम्प्लीट करने का एसोसिएशन ऑफ द टर्मिनाइ जितना टेम्परेचर लोवर जाता रहेगा जैसे पी सी आर में हमने ऑब्जर्व किया था तो क्या होता है आपकी अनिलिंग बेहतर होती रहती है तो एज द टेम्परेचर गोज बाय दैट हाइड्रोजन बॉन्ड वुड बी स्टेबलाइज और बहुत अच्छे तरीके से Uh, base pairing complete. Now we have found this optimum temperature either from 4 degrees Celsius to 15 degrees Celsius, we leave this reaction overnight so that T4 DNA ligase can basically ligate two DNA segments. And ultimately, there are many companies, this picture is from Invitrogen, which are providing T4 DNA ligase. But some companies have solved the issue where t4dna ligase, it's known as a quick ligase, which can actually work very efficiently at 37 degrees celsius as well to basically complete this reaction in five minutes. and it is known as quick t4dna ligase. now, another enzyme which is extremely important for the whole cloning procedure is uh, alkaline phosphatase. now, what phosphatase does is, अभी हम लोगों ने जो लाइगेशन का रिएक्शन देखा उसमें फॉस्फेट बॉन्ड वाज असेंशियल फॉर द लाइगेट टू एक्ट के लाइगेज उसको पकड़ता और फिर एक फॉस्फोडाइसर बॉन्ड बनाता नाउ व्हेन वी कट अ वेक्टर एज वी हैव सीन इन आवर केस इट्स अ प्लाज्मेड तो अगर हम एक प्लाज्मिट को कट करते हैं तो क्या होता है हमने प्लाज्मिट तो कट कर दिया लेकिन दोबारा वो आप इसमें रिसर्कुलराइज होने का पोटेंशियल रखता है स्पेशली वेन यू एड डी एन ए लाइगियस टू द मिक्स अभी आपका इंसर्ट ज्ञानी होगा अंदर और वो काफी सारे से है ना वो रीसर्कुलराइज हो जाएंगे विदाउट द इंसर्ट टू मैक्सिमाइज द कि आपका इंसर्ट इस द्लाज्मेट के अंदर चला जाए वट वी डू इज कि हम अल्कलाइन फॉस्पटेज से वैक्टर को रिएक्ट करवा देते हैं तो फिर क्या होता है फिर सिर्फ ओ एच बॉन्ड रह जाता है और जो लाइगेज है वो एक्ट करना चाहे भी वेक्टर पर तो एक्ट नहीं कर सकता फायदा क्या होता है फायदा ये होता है कि रिसर्कुलराइजेशन होना खत्म हो जाती है एंड वट है फॉरन डी एन ए कम्स उसके अंदर हम उसको कभी भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट नहीं करते उसके पास वो फॉस्फेट बॉन्ड होता है जो रिक्वायर्ड है फॉर लाइगेज टू बेसिकली फिल द नेक in this way we increase our efficiency of insert going in the right place into the vector and then ultimately we transform it so in this way we have seen that how alkaline phosphatase is used to treat linearized plasmid vector and to remove the 5' prime terminal phosphate group so that recircularization and plasmid dimer formation can be prevented sometimes happens. कि अगर आप इन फॉस्फेट बॉन्ड्स को ब्रेक ना करें तो दो वेक्टर्स भी आप इसके अंदर जुड़ के एक डाइमर क्रिएट कर लेते हैं और अल्टीमेटली अगर वो इस तरह करेंगे तो इट वुड नॉट बी वेरी एफिशिएंट और उनके दरमियान में इंसर्ट नहीं जाएगा एंड बिकॉज जब हम लोग अपना इंसर्ट डालते हैं उस पर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है तो इट मेक्स श्योर कि बेसिकली वैक्टर भी अल्टीमेटली रिसर सर्कुलराइज हो जाएगा जब उसके अंदर इंसर्ट लग जाएगा तो हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ आवर इंसर्ट गोइंग इन टू द राइट प्लेस इंक्रीजेस लाइक एज मच एज पॉसिबल